वेलकम टू प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। हम बात कर रहे थे स्ट्रिंग्स के बारे में कि स्ट्रिंग्स कैसे बनाई जाती हैं और उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और फिर हमने ये देखा कि स्ट्रिंग्स के अंदर से किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को या पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग को किस तरीके से एक्सेस किया जा सकता है। आज हम इसी गुफ्तगू को थोड़ा मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और हम देखेंगे कि स्ट्रिंग के अंदर से अगर हमें कोई चीज़ ढूँढनी हो तो हम उसे कैसे तलाश कर सकते हैं। Finding strings in strings. The find method is a built-in operation or method provided by Python that operates on string. पहला लफ्ज़ जो method का लफ्ज़ है, method क्या होता है, method को हम function भी कहते हैं, या method या function क्या होता है, इससे हम आगे ही हासिल करेंगे थोड़ा सा इस कोर्स में आगे चल के, तो इस लफ्ज़ को लेके फ़िलहाल हम परेशान नहीं होंगे। फाइंड एक मेथड है जो हमें पाइथन के अंदर बना बनाया मिलता है, और उस मेथड को हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से किसी दूसरी स्ट्रिंग को तलाश करने के लिए। द आउटपुट ऑफ द फाइंड इज द पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग वेयर द स्पेसिफाइड सब स्ट्रिंग इज फाउंड। हम इसको मिसाल से देखते हैं ताकि हमें ये बात समझ आ सके कि ये इसका मतलब क्या है। मिसाल के तौर पे हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, हम आइंस्टाइन का एक कोट ले लेते हैं। आइंस्टाइन के नाम से आप आगे ही रखते हैं, वो एक मशहूर साइंसदान था, तो हम स्ट्रिंग का नाम रखते हैं आइंस्टाइन, और उसका एक कोट यहाँ पे हम लिखते हैं। वन सेड दैट टू थिंग्स आर इनफिनाइट, द यूनिवर्स एंड ह्यूमन स्टेबिलिटी, राइट। सो ये एक मशहूर कोट है जो आइंस्टाइन से मंसूब है। हमने एक स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग एक वेरिएबल के तौर पर डिक्लेयर किया हमने इसे, वेरिएबल का नाम हमने रखा आइंस्टाइन, और उसकी वैल्यू हमने रखी वो कोट जो आइंस्टाइन से मंसूब है, दैट टू थिंग्स आर इनफिनाइट, द यूनिवर्स एंड ह्यूमन स्टेबिलिटी। सो हियर वी गो, वी हैव डिक्लेयर्ड इट। अब हमने कहा था कि हम स्ट्रिंग के अंदर से कोई चीज़ फाइंड कर सकते हैं, तो हम देखते हैं कि हम इसके अंदर से अगर कोई चीज़ तलाश करना चाहें तो हम लिखते हैं स्ट्रिंग का नाम, आगे लिखते हैं डॉट। सो याद रखिए, तरीका हमेशा ये होगा कि हमने जिस चीज़ में तलाश करना है, यानी जिस स्ट्रिंग में तलाश करना है, वो नाम पहले लिखा जो कि आइंस्टाइन है, उसके साथ ही हमने लिखा डॉट, डॉट के बाद हम उस मेथड का नाम लिख रहे हैं जो मेथड हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं तलाश करने के लिए इस स्ट्रिंग के अंदर किसी दूसरी स्ट्रिंग को। तो हमने लिखा आइंस्टाइन डॉट फाइंड, और इसके आगे हम पैरेंथेसिस डाल देते हैं, राइट। सो सोर्स स्ट्रिंग हमने यहाँ पे लिख दी, दैट इज़ आइंस्टाइन, आगे डॉट के साथ हमने उस मेथड का नाम लिख दिया जो मेथड हमारे लिए इसको तलाश करेगा, और इसके अंदर हम लिख सकते हैं वो स्ट्रिंग का हिस्सा, वो सब स्ट्रिंग, वो लफ्ज़ जो हम तलाश करना चाहते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि हम इसके अंदर टी एच ई इसे तलाश करना चाहते हैं, राइट। सो वी सी, व्हाट डू वी गेट, वी हैव गॉट 25। अब अगर हम बेयरली नेकेड आई से इस स्ट्रिंग को देखें तो इसके अंदर हमें दी टी एच ई यहाँ पे मिलता है। हम ज़रा इसको वर्बली काउंट करके देख लेते हैं कि क्या इसकी लोकेशन 25 ही बनती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, and this is 25. Remember, we count spaces as well. So 25th location के ऊपर ये string का हिस्सा find method को मिल गया, लिहाजा find method ने हमें बता दिया कि स्ट्रिंग का जो हिस्सा आप तलाश करने की कोशिश कर रहे थे वो लोकेशन 25 पे पड़ा हुआ है। आई होप यू गॉट द आइडिया कि हम किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से, जैसे कि यहाँ हम इस स्ट्रिंग में से कुछ तलाश करना चाहते थे, तो हम किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से किसी भी दूसरी स्ट्रिंग को तलाश कर सकते हैं फाइंड मेथड की मदद से। जिस स्ट्रिंग में तलाश करना है वो हम पहले लिखते हैं, जिस स्ट्रिंग को तलाश करना है वो हम फाइंड मेथड के अंदर लिखते हैं, और फाइंड मेथड तलाश, जिस स्ट्रिंग में हमें तलाश करना है उसके साथ यूं जोड़कर डॉट की मदद से लिखा जाता है, और पैरेंथेसिस के अंदर हम ये टारगेट स्ट्रिंग जिसे हमें तलाश करना है वो लिख देते हैं।
तो फाइंड मेथड हमें वो लोकेशन रिटर्न कर देता है जिस लोकेशन के ऊपर हमारी मतलूबा स्ट्रिंग, हमारा मतलूबा लफ्ज, हमारे मतलूबा कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं। ऐसा मुमकिन है कि जो चीज़ हम तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं वो उसमें मौजूद ना हो, उस केस में इसका जवाब हमेशा माइनस वन होगा। तो फाइंड मेथड हमें दो चीज़ें रिटर्न कर सकता है, या तो वो लोकेशन बताएगा जिस लोकेशन पे उसको मतलूबा स्ट्रिंग मिल गई, और अगर नहीं मिली तो फिर वो हमें हमेशा जवाब में बताएगा माइनस वन। ओके, थोड़ा सा मज़ीद इस मेथड को एक्सप्लोर करते हैं। इसको टेस्ट करने के लिए हम यूं भी लिख लेते हैं, हमें पता है कि स्ट्रिंग के अंदर से हम अगर किसी चीज़ को स्लाइस करना चाहें, किसी सबस्ट्रिंग को एक्सेस करना चाहें, तो हम यूं लिख सकते हैं। तो आपके ख्याल में क्या जवाब आएगा? हम ये कह रहे हैं कि आइंस्टाइन के अंदर से स्ट्रिंग जो लोकेशन 25 है वहाँ से लेके ऑनवर्ड्स आखिर तक तमाम कॉन्टेंट शो कर दिए जाएँ। सो इफ़ वी सी, तो 25 के ऊपर THE मिला था उसे, उसने वहाँ से लेकर ऑनवर्ड्स आखिर तक जितनी भी चीज़ें उस स्ट्रिंग का हिस्सा थी वो सारी स्ट्रिंग ऑनवर्ड्स आखिर तक, क्योंकि हमने एंड लोकेशन स्पेसिफाई नहीं की थी, सो उसने आखिर तक पूरी स्ट्रिंग हमें दिखा दी। ओके, फर्स्ट करें, मैं कैपिटल टी सर्च करना चाहता हूँ इसके अंदर। तो आपके ख्याल में आप जरा स्ट्रिंग को नेकेड आई से देखिए और बताइए क्या जवाब आएगा, क्या कैपिटल टी उसको मिल जाएगा? अगर मिल जाएगा तो कहाँ मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो क्या जवाब आएगा? येस, आई गेस यू वुड हैव गेस्ड इट करेक्टली कि कैपिटल टी इस पूरी स्ट्रिंग में एक ही जगह पे है और वो है लोकेशन 0। सो अगर हम फाइंड टी करते हैं तो हमें इसका जवाब 0 में मिलना चाहिए, चूँकि पहली ही लोकेशन के ऊपर ये कैपिटल टी मौजूद है। इसी तरीके से अगर फ़र्ज़ करें हम लफ्ज़ स्टुपिडिटी इसके अंदर तलाश करना चाहते हैं, तो सॉरी मैंने इसकी स्पेलिंग गलत लिख दी है, दैट्स वाई वी गॉट माइनस वन। सो अगर स्ट्रिंग नहीं मिलती, जैसे मैंने आपको बताया था, इट रिटर्न्स माइनस वन, बट इन दिस केस वी हैड मिस स्पेल्ड इट, दैट्स वाई इट रिटर्न्ड। सो इफ वी सर्च स्टुपिडिटी इन इट, वी रिसीव 48। दैट मीन्स दैट दिस वर्ड स्टुपिडिटी अकर्स एट लोकेशन 48। ये 48th कैरेक्टर लोकेशन के ऊपर ये लफ्ज़ शुरू होता है, तो इट रिटर्न्स अस दैट लोकेशन where the word, where that particular word or substring is found, right? Similarly, अगर हम अब जैसे हम बात कर रहे थे, अगर मैं यहाँ 48 लिखूँ, 48 start location, that means मैं stupidity से onwards string को print करना चाहता हूँ, और चूँकि stupidity से आगे कोई लफ्ज़ नहीं है लिहाजा वहाँ पर ये string end हो जाती है। और as we said earlier कि अगर हम कोई ऐसा लफ्ज़ तलाश करना चाहते हैं जो स्ट्रिंग में है ही नहीं, जैसे अभी हमने स्टुपिडिटी को मिस स्पेल किया था तो उसने हमें माइनस वन रिटर्न किया था, फर्स्ट करें आई आस्क इट टू सर्च फॉर अलजेब्रा। इज अलजेब्रा एग्जिस्टिंग इन द स्ट्रिंग? नो इट इज़न्ट, सो इंट्यूटिवली विल गेट माइनस वन इन दिस केस। सो आई होप यू गॉट द आइडिया ऑफ द फाइंड मैथड, दैट द फाइंड मैथड बेसिकली इज यूज टू सर्च और लुक फॉर अ स्पेसिफिक word specific substring from a string, and if that substring is found in the main string we receive the location where it is found, otherwise we receive minus one. Minus one indicates that the string that we wanted to search in a specific string is not found. Okay, yahan pe Pythagoras ki misal di hui hai, you can look go through this example as well, but instead we used another quote from Einstein. ओके, अब इसको देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इवैल्यूएट टू माइनस वन। हमारे सामने कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं और हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी हैं जो कि माइनस वन हमें जवाब देंगी। सो क्या ख्याल है इसके बारे में? आपके सामने जैसे मैंने पहले भी कहा था, जब भी कोई क्विज आए उसे स्टॉप करके पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए, ताकि आप खुद ये असेस कर सकें कि आपको कितना समझ आया है, एंड देन ऑब्वियसली यू कैन प्ले इट एंड सी हाउ इट गोस। सो अगर हम टेस्ट डॉट फाइंड टी लिखें तो आपके ख्याल में क्या जवाब आएगा? क्या टी उसको टेस्ट में मिल जाएगा? मिल जाएगा तो किस लोकेशन पे मिलेगा? सो इट फाइंड्स टी एट लोकेशन 0। सो यू सी दैट इट इज़ फाउंड एट लोकेशन 0, राइट? अच्छा, फर्स्ट करें, अगर मैं यूं लिखूं, ये तो हमने देख लिया, अगर मैं यूं लिखूं तो क्या होगा?
ये बात हम पहले भी देख चुके हैं अगर से, लेकिन फिर इस केस में क्या टेस्ट के अंदर उसको टी मिल जाएगा? इस केस में हमें एक नेम एरर मिलेगा, राइट? इट सेज नेम एरर, नेम टेस्ट इज नॉट डिफाइंड। तो आप देखिए फर्क क्या है, यहाँ पे हमने कोटेशंस डाले थे, कोटेशंस का मतलब है कि हम एक स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने कोटेशंस नहीं डाले। जब कोटेशंस नहीं डालते तो पाइथन का इंटरप्रेटर ये एक्सपेक्ट करता है ये कि ये कोई वेरिएबल का नाम होगा, और अगर ये वेरिएबल का नाम आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो इसे यकीनन आपने ऊपर कहीं पहले डिफाइन किया होगा, राइट? अगर आपने डिफाइन नहीं किया हुआ तो वो आपको हमेशा यहाँ पे नेम एरर देगा। सो हाउ अबाउट अगर मैं यूं लिख लूँ, टेस्ट इज इक्वल टू टेस्ट, इज इट ऑल राइट? यस इट इज़ ऑल राइट। ये एक वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है जिसमें वेरिएबल का नाम हम टेस्ट रख रहे हैं, और उसकी वैल्यू एक स्ट्रिंग वैल्यू है, और वो वैल्यू भी टेस्ट ही है, राइट? एंड देयर इज नो प्रॉब्लम। अब अगर मैं यूं लिखूं टेस्ट डॉट फाइंड टी, तो हमें टेस्ट चूंकि एक वेरिएबल है और उसके अंदर ये वैल्यू पड़ी हुई है और इसका पहला कैरेक्टर टी ही है, सो वी विल फाइंड दैट टी हियर। ओके, व्हाट इफ आई यूज डबल कोट्स इंस्टेड ऑफ सिंगल कोट्स, विल इट स्टिल फाइंड इट? यस, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। सिंगल कोट के साथ स्ट्रिंग लिखें या डबल कोट के साथ लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं थोड़ी सी ये तब्दीली कर दूं, मैं इसे कैपिटल बना दूं, राइट? क्या अब, और मैं इसको टी ई कर दूं, क्या अब इसको ये सब स्ट्रिंग मिल जाएगी? इस केस में ये हमें माइनस वन रिटर्न करेगा, क्योंकि कैपिटल टी और स्मॉल टी इक्विवेलेंट नहीं होते, राइट? सो वी हैव कैपिटल टी एंड ई, दिस पैटर्न अवेलेबल बट नॉट स्मॉल टी एंड ई, ये पैटर्न हमें अवेलेबल नहीं है। ओके, इसी तरीके से अगर हम टेस्ट में एस टी सर्च करें तो क्या ये हमें मिल जाएगा? इज एस टी अकरिंग इन दिस स्ट्रिंग टेस्ट टी ई एस टी? यस। एट वॉट लोकेशन? एट लोकेशन टू, जीरो इज टी, वन इज ई, एंड एट लोकेशन टू एंड थ्री यू फाइंड दिस पैटर्न एस टी, सो यू फाइंड टू एज अ रिजल्ट ऑफ दैट। एंड हाउ अबाउट इफ आई सर्च फॉर टेस्ट इन वेस्ट? अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं टेस्ट तलाश करना चाहता हूँ, और किस में तलाश करना चाहता हूँ? वेस्ट में। तो क्या टेस्ट वेस्ट में मिल जाएगा? ऑब्वियसली दिस सब स्ट्रिंग टेस्ट इज नॉट फाउंड इन दिस इन द स्ट्रिंग वेस्ट, सो यू शुड रिसीव माइनस वन इन दिस केस। आई होप यू गॉट द बेसिक आइडिया ऑफ हाउ फाइंड मैथड वर्क्स। ओके, वी मूव ऑन, वी हैव अनदर क्विज टू रीइन्फोर्स दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंड मैथड। फॉर एनी स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू एनी स्ट्रिंग, हमारे पास एस एक स्ट्रिंग है, एस वेरिएबल का नाम है, और फर्ज करें उसके अंदर कोई भी सब स्ट्रिंग है, कोई भी स्ट्रिंग है जो हमने स्टोर की हुई है, कोई भी वैल्यू जो हमने स्टोर की हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज हैज़ द वैल्यू जीरो, राइट? वी हैव अ स्ट्रिंग एस, और उसके अंदर फर्ज करें कि कोई भी वर्ड हमने स्टोर किया हुआ है, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा मैथड हमें रिटर्न करेगा ज़ीरो, राइट? सो हम इनको एक एक करके देखते हैं। हम एस की कोई मिसाल ले लेते हैं, हम एस के अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर कर लेते हैं कोई भी, फर्ज करें हमने एस के नाम से एक स्ट्रिंग बनाई और स्ट्रिंग के अंदर हमने स्टोर कर लिया प्रोग्रामिंग, राइट? अब पहली चीज जो हमसे पूछी गई है दैट इज एस डॉट फाइंड एस, कि अगर हम एस स्ट्रिंग के अंदर एस स्ट्रिंग को ही फाइंड करें तो क्या हमें मिल जाएगी? ऑब्वियसली हम एक स्ट्रिंग के अंदर उसी स्ट्रिंग को अगर तलाश कर रहे हैं तो हमें मिल जाएगी, और मिलेगी कहाँ पे? जाहिर है पहले ही करेक्टर से मैच शुरू हो जाएगा, सो इट शुड गिव अस जीरो। सो हमसे ये पूछा गया था कि इनमें से कौन से एक्सप्रेशन हमें ज़ीरो रिटर्न करेंगे, तो पहला एक्सप्रेशन हमें ज़ीरो रिटर्न कर रहा है। दूसरे एक्सप्रेशन में हमसे पूछा गया है कि आप एस डॉट फाइंड दिस एस, अब यू कैन मेक नोटिस अ डिफरेंस दैट दिस इज़ द वेरिएबल नेम एस एंड दिस इज एज सच द स्ट्रिंग लिटरल, राइट? तो क्या ये स्ट्रिंग एस जो है जिसके अंदर क्या स्टोर्ड है? प्रोग्रामिंग।
तो क्या प्रोग्रामिंग के अंदर हमें ये एस मिल जाएगा? द आंसर इज नो, दिस एस डज नॉट अकर इन द स्ट्रिंग इन द प्रोग्रामिंग इन दिस स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग राइट. सो दिस शुड गिव अस -1 राइट. द नेक्स्ट थिंग दैट इज आस्क्ड फ्रॉम अस इज दैट व्हाट इफ वी सर्च फॉर दिस पर्टिकुलर केस दैट इज एस डॉट फाइंड एस. नाउ इन दिस केस we are not using the variable name as, we are instead writing the string literal directly, and we are saying is this string good enough that we find this s and this. So both strings are equivalent and we will find this s at location 0 in this case. So this is perfectly all right, right? And the next one is s dot find an empty string, right? Remember this is an empty string. Empty string means कि आपने ये कोड डाला और साथ ही ये कोड डाल दिया, दरमियान में स्पेस भी नहीं दी. तो अब ये जो स्ट्रिंग है s, in this case you see there are no quotes, so we are talking about this string programming. तो क्या प्रोग्रामिंग के अंदर हमें empty string मिल जाएगी? Yes, this is a bit of a trick that we always find the empty string in any string. अब empty string का मतलब क्या होता है? Empty string का मतलब होता है nothing. So that this expression basically means that we want to find nothing in something. So if we are finding nothing in something, we will always find that nothing, because we are, as by definition, we are searching nothing. So this will be found. The empty string or null string will always be found in any string, right? So this is not really worrisome. And similarly, the last question is this. If you see this particular case, here we say that s dot find s कौन सा string है ये programming. तो हम ये कह रहे हैं programming के अंदर programming को ही तलाश करें, लेकिन सिर्फ programming को तलाश ना करें बल्कि उसके साथ plus operator, आपको पता है string के साथ concatenation कर देता है. तो आप plus operator इस्तेमाल करके आप ये तीन quotes इसके साथ कंकैटिनेट कर दें. तो अब इस केस में ये स्ट्रिंग जो हम तलाश कर रहे हैं क्या बन जाएगी? दिस विल बिकम प्रोग्रामिंग और उसके एंड पे तीन कोट्स आ जाएंगे. तो अगर हम प्रोग्रामिंग के की स्ट्रिंग के अंदर एक और स्ट्रिंग तलाश करें जो कि प्रोग्रामिंग एंडिंग विद 3 एक्सक्लेमेशन कैरेक्टर्स है, तो क्या वो हमें उसके अंदर मिल जाएगी? ऑब्वियसली इसका जवाब है कि वो स्ट्रिंग हमें उसके अंदर नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रोग्रामिंग is equivalent to programming, but programming is not equivalent to programming ending with 3 exclamation characters, right? So in this case we will receive -1, but since the question was that you add 1 in it, so since ye string hame nahi milegi to iska jawab -1 aayega, aur isme jab hum +1 karenge to jawab 0 ho jayega, right? So that means ye last case bhi hame 0 hi return karega, right? So in this particular case we have noticed that this is the only expression which does not return 0. All other expressions return 0 to us. Okay ji, moving on, hum ab find ko istemal kar rahe the. Find method hamare liye, again to summarize, find method kya karta hai ki hum ek source string batate hain aur ek target string find method ke andar likh dete hain, और फाइंड मेथड वो टारगेट स्ट्रिंग उस सोर्स स्ट्रिंग के अंदर तलाश करके हमें बता देता है. अगर वो मिल जाए तो उसकी लोकेशन बता देता है, और अगर ना मिले तो -1 जवाब के तौर पे हमें बता देता है. अब हम इस फाइंड मेथड को थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं. मेरे ख्याल में जो पीछे एग्जांपल्स हम देख रहे थे उसमें कुछ सवाल शायद इस किस्म का आपके जहन में आ भी रहा होगा कि अगर एक स्ट्रिंग के अंदर कोई चीज़ मल्टीपल टाइम्स अकर करे तो फिर हम ये कैसे तय करेंगे कि हम कौन सी अकरेंस तलाश करना चाहते हैं. मिसाल के तौर पे हम इसको भी मिसाल से पहले समझते हैं, बेयर थ्योरी से हमें हर चीज़ बहुत आसानी से समझ नहीं आती. फर्ज करें हम एक अपनी प्रोग्रामिंग की क्लास का एक मोटो बनाते हैं. हमने एक वेरिएबल का नाम रखा है मोटो, और उसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग स्टोर की है. वी कैन डू प्रोग्रामिंग कॉमा यस आई कैन कॉमा यस यू कैन, राइट? So just take it as an example that we have a string named motto, and that string has the value we can do programming, yes I can, yes you can. Ab is case mein agar aap dekhen to bahut si cheeze aisi hain jo repeat ho rahi hain. For example, ek misal aapko bahut prominent ye nazar aayegi ki ye jo lafz
कैन है एक, दो और तीन बार इसके अंदर आया। इसी तरीके से ये लफ्ज़ यस एक दो बार इसके अंदर आया। इसी तरीके से कॉमा का इस्तेमाल भी हमने इस स्ट्रिंग में दो बार किया, राइट। सो हमने ये स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दी मोटो के नाम से और इसके अंदर वैल्यू क्या है, वी कैन डू प्रोग्रामिंग, यस आई कैन, यस यू कैन, ओके। सो अब फर्ज करें हम लिखते हैं मोटो डॉट फाइंड कैन, तो ज़रा सोच के बताइए इसका जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका जवाब है थ्री। थ्री कैसे, जब हम ये तलाश करने को कहते हैं फाइंड मेथड को और उसको बताते हैं कि ये कैन आपने तलाश करना है इस स्ट्रिंग मोटो में, सो वो इस स्ट्रिंग के शुरू से इसको तलाश करना शुरू करता है। जीरोथ करेक्टर पे नहीं मिला, फर्स्ट पे नहीं मिला, सेकंड पे नहीं मिला, थर्ड करेक्टर पे जाके सी मिला, उसने देखा आगे ए भी है एन भी है तो उसको कैन यहाँ पे मिल गया। उसने हमें बताया लोकेशन नंबर थ्री पे आपकी मतलूबा स्ट्रिंग जो आप तलाश कर रहे हैं वो मौजूद है। अब हमारे पास जो सवाल है वो ये है कि कैन इससे आगे भी मौजूद है और दो बार मौजूद है, राइट। सो अगर हम इससे आगे वाले किसी कैन को तलाश करना चाहते हैं तो वो कैन हम किस तरीके से तलाश कर सकेंगे, तो उसका तरीका हमारे पास ये है कि हम फाइंड मेथड में एक तो ये बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ हमें तलाश करनी है, कौन सी स्ट्रिंग हमें तलाश करनी है, कौन सा वर्ड, कौन सी स्ट्रिंग। हम ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग, राइट, इसका मतलब बेसिकली स्ट्रिंग का मतलब तो ये है कि हमने कुछ कैरेक्टर्स का मजमूआ है जो हमने बनाया हुआ है। सब स्ट्रिंग और स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग भी स्ट्रिंग ही होती है लेकिन जब हम किसी एक स्ट्रिंग को किसी नॉमनक्लेचर में ज़रा बड़ा समझें या ऐसी स्ट्रिंग समझें जिसमें कोई चीज़ तलाश करनी है और कोई दूसरी स्ट्रिंग जो है उसको हमें तलाश करना है तो हम उसको सब स्ट्रिंग कह देते हैं। सब आम तौर पर किसी चीज़ को ज़रा छोटा बनाने के लिए हम ये उसको छोटे मानी पहनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, बट anyway, स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग बोथ आर स्ट्रिंग्स, ओके। सो हमने कैन तलाश करना है, हम यहाँ पे एक कॉमा ऐड कर रहे हैं, यानी हम फाइंड मेथड को पहले तो सिर्फ उसके अंदर वो स्ट्रिंग दे रहे थे जो स्ट्रिंग हमें तलाश करनी थी, अब हम कॉमा डाल के एक नंबर भी साथ बता देते हैं। नंबर में मैंने फ़िलहाल लिखा है ज़ीरो। ज़ीरो का मतलब ये है कि फाइंड मेथड कैन को तलाश करे इस स्ट्रिंग मोटो के अंदर और ये तलाश करना जो है वो कैरेक्टर नंबर ज़ीरो से शुरू करे, यानी मैं ये स्पेसिफाई कर सकता हूँ, ये बता सकता हूँ कि मैं किस कैरेक्टर से ये काम करना शुरू करना चाहता हूँ। सो ज़ीरो से शुरू किया, अब यहाँ पे हमने ज़ीरो नहीं बताया था तो भी इसने इसको थ्री पे तलाश किया था, अब भी अगर ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं, अब हमने एक्सप्लिसिटली बता दिया ज़ीरो से शुरू करें तब भी उसको थ्री पे मिल गया, उसने बता दिया कि ये स्ट्रिंग जो आप तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोकेशन थ्री पे पड़ी हुई है। अगर हम थ्री लिखें तो भी वो थ्री ही बताएगा क्योंकि लोकेशन थ्री पे उसको ये मिल जाती है स्ट्रिंग। फर्ज करें मैं थ्री नहीं फोर लिखता हूँ, अब इस केस में क्या होगा, ज़ीरो वन टू थ्री यहाँ तक की लोकेशंस तो वो छोड़ देगा, इससे आगे तलाश करना शुरू करेगा। अब इससे आगे उसको सी ए एन आगे मूव करते करते यहाँ तक नहीं मिल रहा, उसको अगला सी ए एन अगर हम लोकेशन फोर से शुरू करें तो वो यहाँ जाके मिलेगा। सो इंट्यूटिवली अब उसको ये वाला कैन तलाश करना चाहिए ना कि पहला, एंड एज यू कैन सी इट हैज़ सर्च फॉर द लोकेशन 29 इन दिस केस। सो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, and 29. So this can is occurring at location 29. So हम start location के ज़रिए इस चीज़ को control कर सकते हैं कि हमें string के कौन से हिस्से से अपनी तलाश का आगाज़ करना है, ये चीज़ हम बता सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं अब ये हमें 29 पे मिला है, राइट, सो इफ़ आई राइट 29 हियर, यानी चार से लेके ऑन तक मैं 29 कुछ भी लिख दूँ उसको ये लोकेशन 29 पे मिलता रहेगा। फर्ज करें मैं इसे 30 कर देता हूँ, इसका मतलब क्या होगा कि अब वो सर्च यहाँ से शुरू करेगा। सो यहाँ से ऑनवर्ड्स अगला कैन उसको फिर यहाँ जाके मिलेगा, राइट, एंड इट शुड रिटर्न अस 42। ये जो आखिरी कैन है अगर आप यहाँ से करेक्टर्स को काउंट करेंगे तो ये लोकेशन 42 पे आता है।
राइट। सो इन द नटशेल, फाइंड मेथड को पहले तो हम बहुत प्लेन अंदाज में इस्तेमाल कर रहे थे कि शुरू में उस स्ट्रिंग का नाम लिखते हैं जिसमें हमें तलाश करना है, फिर डॉट और फाइंड लिखें और उसके आगे पैरेंथेसिस के अंदर वो स्ट्रिंग बता दें जो आपने मेन स्ट्रिंग में तलाश करनी है। तो वो या तो उसकी लोकेशन बता देगा या आपको माइनस वन रिटर्न कर देगा अगर वो स्ट्रिंग नहीं मिलेगी। दूसरा केस जो अभी हमने देखा है कि आप फाइंड मेथड को एक की बजाय दो बातें बता सकते हैं, एक तो वो स्ट्रिंग जो आपने तलाश करनी है और दूसरा पैरामीटर आप उसको ये दे सकते हैं कि वो लोकेशन भी बता दें जिस लोकेशन से ऑनवर्ड्स आप उसको तलाश करना चाहते हैं सोर्स स्ट्रिंग के अंदर। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे हमें 42 पे मिला है, अगर मैं 43 लिख दूँ, 43 का मतलब है कि आप कैन तलाश कर रहे हैं यहाँ से ऑनवर्ड्स, तो यहाँ से ऑनवर्ड्स तो स्ट्रिंग में कैन पूरा मौजूद नहीं है, लिहाजा अब इसे क्या रिटर्न करना चाहिए? यस, यू गॉट इट राइट, इट शुड रिटर्न माइनस वन। सो दैट इज़ द होल स्टोरी ऑफ द फाइंड मैथड। तो हमने देखा कि फाइंड मैथड को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी सोर्स स्ट्रिंग के अंदर किसी टारगेट स्ट्रिंग को किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, और फिर हमने थोड़ा सा मजीद एनरिचमेंट इस तरीके से भी अचीव की कि अगर हम किसी स्ट्रिंग में किसी पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग की मल्टीपल अकरेंसेज एग्जिस्ट करती हैं, तो अगर हम किसी स्पेसिफिक अकरेंस को तलाश करना चाहते हैं या हम किसी स्पेसिफिक लोकेशन से अपनी सर्च का आगाज़ करना चाहते हैं, तो हम फाइंड मेथड को दो बातें बता सकते हैं, एक वो स्ट्रिंग जो हमें तलाश करनी है और दूसरा स्टार्ट लोकेशन जहाँ से हम सोर्स स्ट्रिंग के अंदर तलाश करना शुरू करना चाहते हैं। आई होप यू गॉट द आइडिया। ओके, अब हम अपनी स्ट्रिंग्स की डिस्कशन को यहाँ पे फिलहाल कंक्लूड करने जा रहे हैं इस क्विज़ के साथ। ये क्विज़ हमें टेस्ट करेगा कि हमारी अब तक की अंडरस्टैंडिंग कैसी है। इस क्विज़ में हम स्ट्रिंग के अंदर जो इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग और उसके साथ साथ फाइंड मेथड है, इनको तमाम को मर्ज करके इसका इम्तिहान यहाँ पे ले रहे होंगे। ये क्विज़ अब तक के जितने भी क्विज़ हमने देखे उनमें से रिलेटिवली सबसे मुश्किल है। हो सकता है कि आप यहाँ पॉज करके अगर इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें तो आप बहुत अच्छे से इस क्विज़ के जवाब तलाश ना कर सकें, बट दैट विल बी ऑल राइट, बट स्टिल आई वुड से स्टॉप हियर, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व और सॉर्ट आउट दिस क्विज योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन प्ले द वीडियो अगेन एंड कोरिलेट दैट हाउ डिड यू डू विद इट। ओके, तो इस क्विज में हमसे ये कहा गया है कि फर्ज करें कि हमारे पास कोई स्ट्रिंग है एस, जो कि सोर्स स्ट्रिंग है जिसमें हमें कुछ तलाश करना है, और फर्ज करें कि एक स्ट्रिंग है टी, जो फर्ज करें कि हमारी टारगेट स्ट्रिंग है जिसको हमें तलाश करना है, और फर्ज करें कि एक नंबर है हमारे पास आई, जो कि बेसिकली इंडेक्स के तौर पे हम इस्तेमाल करेंगे कि हम फाइंड मेथड के अंदर ये नंबर बता देकर ये बता रहे होंगे कि यहाँ से सर्च का आगाज़ करना है, और फर्ज करें कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है एस डॉट फाइंड टी आई, कि आप एक स्ट्रिंग एस के अंदर तलाश कीजिए किसी स्ट्रिंग टी को और अपनी सर्च का आगाज़ आपने लोकेशन आई से करना है, राइट right? ओके, इसकी मैं पहले आपको मिसाल दे देता हूँ। फ़र्ज करें कि हम एक सोर्स स्ट्रिंग लेते हैं और उसका नाम एस रखते हैं और उसमें एक स्ट्रिंग स्टोर कर लेते हैं और उसका नाम रखते हैं हम स्मार्ट सिटी। एक स्ट्रिंग हम टी लेते हैं और इसका नाम हम रख लेते हैं फ़र्ज करें सिटी। अब हमें नेकेड आई से नज़र आ रहा है कि ये जो स्ट्रिंग टी है सिटी, ये सोर्स स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करती है, सी आई टी वाई यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, अब हमने एक नंबर भी लेना है। फ़र्ज करें हम एक नंबर लेते हैं और इसको रख लेते हैं 5। मैंने 5 जानबूझ के रखा है क्योंकि लोकेशन 0, 1, 2, 3, 4, 5 के ऊपर हमें सिटी मिल जाता है यहाँ पे। सो हमने जस्ट एग्जांपल के तौर पे एक सोर्स स्ट्रिंग ले ली, एक टारगेट स्ट्रिंग ले ली, एक नंबर आई ले लिया जो कि हमने 5 रख लिया। अब हमें ये बताना है विच ऑफ दीज आर इक्विवेलेंट टू दिस, कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको आप देख लीजिए और फिर वन बाय वन इन एक्सप्रेशंस को कंपेयर करके देखिए कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट है। तो पहले हम इसकी ए की बात करते हैं। ए में हम क्या कह रहे हैं, एस ऑफ आई, व्हाट वी आर सेइंग इज दिस, कि आप एस स्ट्रिंग लीजिए, आई से लेके आखिर तक उसका हिस्सा अलग कर लीजिए। अब आई में क्या है, 5, तो 5 से लेके एंड लोकेशन नहीं स्पेसिफाई की तो आखिर तक, 5 से लेके आखिर तक अगर हम लेंगे तो क्या आएगा, सिटी। तो ये एक्सप्रेशन हमें क्या देगा, सिटी, राइट। तो सिटी में डॉट फाइंड, तो सिटी में हमें कुछ तलाश करना है क्या, टारगेट स्ट्रिंग सिटी।
तो इसका मतलब, सादा सा मतलब क्या हुआ कि सिटी के अंदर सिटी को तलाश कीजिए, राइट? तो आपका क्या ख्याल है कि हमें सिटी के अंदर सिटी मिल जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल, सिटी के अंदर सिटी मिल जाएगा, दोनों एक एब्जेंट स्ट्रिंग है। और लोकेशन क्या होगी? सिटी के अंदर सिटी किस लोकेशन पे मिलेगा? जाहिर है हमें लोकेशन ज़ीरो पे ही मिलेगा। अच्छा, अब हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या थी, जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन क्या था जिसे हमें, द ओरिजिनल एक्सप्रेशन वॉज दिस, एस डॉट फाइंड टी आई, कि आप सोर्स स्ट्रिंग में टारगेट स्ट्रिंग तलाश कीजिए और लोकेशन उसकी रखिए आई। तो अब टी क्या है? सिटी। एस क्या है? स्मार्ट सिटी। ठीक है, तो हमें स्मार्ट सिटी में सिटी तलाश करना है और स्टार्ट लोकेशन क्या है? फाइव। तो हम देखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो क्या फाइव लोकेशन पे हमें सिटी, फाइव लोकेशन से अगर हम इस स्ट्रिंग में सर्च करना शुरू करें तो हमें सिटी मिल जाएगा? जी बिल्कुल मिल जाएगा, और लोकेशन हमें क्या बताई जाएगी? फाइव ही बताई जाएगी, क्योंकि हमें फिफ्थ लोकेशन से स्टार्ट किया हमने स्ट्रिंग के अंदर, और स्ट्रिंग की फिफ्थ लोकेशन के ऊपर ही वो सिटी मौजूद था। तो इस केस में हमें जवाब मिला पाँच, बिकॉज द स्ट्रिंग दैट वी आर लुकिंग टू फाइंड इज एक्चुअली लोकेटेड एट लोकेशन फाइव, इट स्टार्ट्स एट लोकेशन फाइव। वेयर एज इन दिस केस हमने स्ट्रिंग का पहले ही स्लाइस अलग कर लिया, ये स्ट्रिंग कट हो गई, इसके अंदर से स्मार्ट का पार्ट हमने अलहदा कर लिया, और स्ट्रिंग आई यानी फाइव टू एंड तक जब हमने लिया तो स्ट्रिंग में रह ही सिर्फ सिटी गया, सी आई टी वाई, और जब सिटी के अंदर हमने सिटी फाइंड किया तो जाहिर है हमें जवाब ज़ीरो ही मिलेगा, क्योंकि सिटी के अंदर तो सिटी लोकेशन ज़ीरो पे ही एग्जिस्ट करता है, लिहाजा ये दोनों एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट नहीं है। अगरचे सिटी दोनों में मिल जाता है लेकिन एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट नहीं है। ओके, दूसरी मिसाल है एस डॉट फाइंड टी, राइट, कि एस में टी फाइंड कीजिए। अब एस में टी फाइंड अगर आप करते हैं तो एस में टी आपको मिल जाएगा, और कहाँ मिलेगा? लोकेशन फाइव पे मिलेगा, और इसका जवाब आएगा फाइव। फिर फाइव के ऊपर हमसे कहा जा रहा है कि हम स्लाइसिंग करें, कि अब नंबर्स के ऊपर स्लाइसिंग नहीं होती, स्ट्रिंग्स के ऊपर तो स्लाइसिंग होती है, स्ट्रिंग के तो मुख्तलिफ पार्ट्स आप अलग कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास एक सादा नंबर है जो कि एस डॉट फाइंड टी जो है हमें मालूम है, जैसे इस केस में हमें जवाब पाँच मिला था, अगर हम यहाँ आई ना भी लिखें, हम फर्ज करें कि ये हटा देते हैं, ये लिखें तो भी हमें पाँच ही मिलेगा। तो अब अगर मैं इसका स्लाइस लेने की कोशिश करूँ इस तरीके से कि आप इस नंबर फाइव का स्लाइस बनाएं, तो फाइव का स्लाइस नहीं बन सकता, सो हमें एक एरर मिलता है, इंट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट सबस्क्रिप्टेबल, के यूं लिखने का मतलब यही है कि मैं ये लिख रहा हूँ फाइव ऑफ, राइट? तो फाइव स्ट्रिंग नहीं है, स्ट्रिंग को सबस्क्रिप्ट किया जा सकता है, स्ट्रिंग के अंदर से इंडेक्सेस को और स्लाइसेस को अलग अलग किया जा सकता है, लेकिन नंबर के अंदर से ऐसा काम नहीं किया जा सकता, सो वी रिसीव एन एरर इन दिस केस, राइट? द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस, सो इस केस में हमसे क्या कहा गया है कि आप यही कीजिए जो आपने यहाँ किया था, एस आई ऑफ ऑनवर्ड्स डॉट फाइंड टी। अब इसमें हमें फाइंड टी में ज़ीरो यहाँ पे मिल, ज़ीरो लोकेशन पे, यानी हमने स्ट्रिंग का एक स्लाइस लिया और ये हमें सिटी रिटर्न करेगा, फाइव एंड ऑनवर्ड्स जो है स्मार्ट सिटी में से सिर्फ सिटी अलग कर देगा। डॉट फाइंड टी करेंगे तो टी भी सिटी ही है, सिटी में सिटी मिल जाएगा और इसका जवाब ज़ीरो आएगा, जैसा कि हम ये जवाब पहले यहाँ पे ले चुके हैं। तो ज़ीरो में जब हम आई ऐड करेंगे विच इज़ फाइव, द आंसर शुड बी फाइव, राइट? तो अपेरेंटली हम ये कह सकते हैं कि जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन था जो हमें जवाब पाँच दे रहा था, वही जवाब हमें इस केस में भी मिल गया कि आपको लोकेशन ज़ीरो आनी थी, आपने उसमें आई इंडेक्स ऐड कर दिया तो जवाब पाँच हो गया। सो बज़ाहिर ये इक्विवेलेंट है, लेकिन एक्चुअली ये भी इक्विवेलेंट नहीं है, ये सिर्फ उस सूरत में इक्विवेलेंट है अगर हमें टारगेट स्ट्रिंग सोर्स स्ट्रिंग में मिल जाए। फर्ज करें हम टी को बदल देते हैं, फर्ज करें टी सिटी नहीं है, अब हमें पता है ए बी सी स्मार्ट सिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, राइट? सो इस केस में अगर हम इस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करेंगे तो जवाब है
चार, क्योंकि इस सूरत में क्या होगा कि सिटी में एबीसी नहीं मिलेगी, सो द आंसर विल बी माइनस वन, और माइनस वन में जब हम प्लस फाइव करेंगे तो जवाब आएगा फोर। सो ये इक्विवेलेंट, यानी ये एक्सप्रेशन उस सूरत में इस एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट है जब हमारी टारगेट स्ट्रिंग हमारी सोर्स स्ट्रिंग में मौजूद होती है, लेकिन अगर ये टारगेट स्ट्रिंग सोर्स स्ट्रिंग में मौजूद नहीं होगी तो उस केस में जवाब माइनस वन आएगा, और उसमें अगर हम वो इंडेक्स ऐड भी कर दें तो जवाब उसके इक्विवेलेंट नहीं बनेगा। लिहाजा ये एक्सप्रेशन भी इन जनरल इक्विवेलेंट नहीं है, सिर्फ उस सूरत में इक्विवेलेंट होगा जब हमारी टारगेट स्ट्रिंग हमारी सोर्स स्ट्रिंग में मौजूद होगी। और जो लास्ट एक्सप्रेशन है दैट सेज दैट, इस केस में हम ये कह रहे हैं एस, पहले तो हम स्ट्रिंग का ये हिस्सा ले लें, राइट, विच विल गिव अ सिटी, एंड देन डॉट फाइंड टी ऑफ आई एंड ऑनवर्ड्स। अब इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि जो टारगेट स्ट्रिंग है उसका भी एक स्लाइस ले रहे हैं, कि हम टारगेट स्ट्रिंग भी जो है उसको भी आई यानी उस इंडेक्स से शुरू करें। अब अगर हम इस अगर मैं इस एक्सप्रेशन को के पहले हम फर्ज करें टी को वापस उसी एक्सप्रेशन पे कर देते हैं जो हमने लिखा था सिटी, राइट, और अब अगर मैं यूं लिखूं, राइट, सो यू सी द ओवरऑल आंसर दैट वी हैव रिसीव्ड इज जीरो, राइट। सो बेसिकली अब यहां क्या हुआ, सिटी, राइट, डॉट फाइंड टी, अब टी में भी हमने आई रखा था फाइव, राइट, सो फाइव से जब हम शुरू करेंगे तो बेसिकली ये हमें जो स्ट्रिंग है हमारी वो एम्प्टी स्ट्रिंग आएगी, राइट, जब हम स्ट्रिंग का ये वाला हिस्सा लेंगे आई से लेके ऑनवर्ड्स, राइट, आई इज़ फाइव, हमें पता है स्ट्रिंग जो टी है उसमें कैरेक्टर्स हैं ही चार, जीरो वन टू थ्री, सो इंडेक्स फाइव वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो जब हम फाइव से लेके एंड तक उसका स्लाइस लेंगे तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग आएगी, और जब हम सिटी के अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग फाइंड करेंगे तो वह हमें लोकेशन जीरो पे मिल जाएगी, राइट। सो दिस एक्सप्रेशन ऑल्सो डजंट रियली मेक एनी सेंस इन कनेक्शन टू दिस एक्सप्रेशन, तो इक्विवेलेंस यहाँ भी नहीं है विच गिव्स अस फाइव, मुख्तलिफ सिचुएशंस में इस एक्सप्रेशन का जवाब भी मुख्तलिफ होगा, लिहाजा इनमें से कोई भी एक्सप्रेशन इन जनरल इस एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट नहीं है। इस क्विज को शुरू करने से पहले मैंने आपसे कहा था कि अब तक का सबसे मुश्किल क्विज है, आपको इस क्विज को देखने में समझने में थोड़ी दिक्कत का एहसास शायद हुआ होगा, अगर ऐसा है तो दिस इज़ परफेक्टली नॉर्मल, द डिफिकल्ट थिंग्स ऑब्वियसली टेक्स सम गेटिंग टू अब्सॉर्ब द स्टफ, सो इसको आप मल्टीपल टाइम्स देख के रिपीट करके मेरे ख्याल में इसके बेहतर मानी को समझ सकते हैं, एंड इफ़ यू स्टिल हैव प्रॉब्लम्स, इफ़ यू स्टिल हैव क्वेश्चंस, you can post those questions in the forum or send me via email, I'll try to answer your questions. So this concludes our discussion on the strings, and obviously before that we discussed simple expressions. ये जो necessary concepts थे किसी भी वेब पेज से पहले लिंक को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वो कॉन्सेप्ट हमने पूरे डिस्कस कर लिए हैं, अब ब्रीफ सी डिस्कशन होगी जिस डिस्कशन में हम एक सैम्पल वेब पेज लेके एक सीड पेज लेके उसके अंदर से पहले लिंक को एक्सट्रैक्ट करेंगे।